तो एक कहावत है कि भाई मरे बल घटे, कि भाई अगर मरेगा तो तुम्हारा ताकत कितने हो आ जाना, है ना। भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए। ठीक है, आपका धूप बारिश गर्मी सर्दी जो होगा सीधा आएगा तुम। ठीक है, ऐसी अगला हिस्सा है कि भाई मरे बल घटे, बाप मरे छत जाए, और जिस दिन मरेगी मावड़ी सारा जग सुना कर जाए। ठीक है, कि दुनिया में आपको फिर आपका कोई वो कोना नहीं बचेगा फिर कभी, अगर आपकी माँ नहीं रही तो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पहले से लाग मतलब तो पूरी क्लास को उससे तो लगता है कि यार इतना तो किया भी नहीं था इसने, जितना ये कुट रहा है वो मैं ही। मतलब मेरी जान पहचान, मैं सिक्स सेवेंथ में मेरी जान पहचान ऐसे इलेवन ट्वेल्थ के लड़कों से हो गई थी, क्योंकि उनके बोर्ड होते थे ना, तो वो लोग बहुत बाहर, उनको बाहर घूमने मिलता था क्लास में, तो और मैं बाहर ही कर रहता था। मैं और देवशीष भैया क्या हाल है कहते तू यही रहता है पूरे। और बॉयज स्कूल में तो ऐसा नहीं कि लोग तुम्हें शिकायत भी करते हो, शिकायत ही नहीं करता भाई साहब, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। अरे कुछ भी होता तो स्कूल में गोल्ड बिल्डिंग थी, ठीक है, अंदर क्लासेस 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 क्लासेस, ऊपर से अजी नाइन्थ से धूम धूम धूम, फिर से पूरे एक तीन दो फ्लोर से आवाज आने लगी धूम धूम धूम, मात्र 7 सेकंड में तो पूरे स्कूल को पता था अगली लाइन क्या है। सारे एक साथ बोले, टीचर बेचारे बोर्ड पे लिख रहे वी विल, क्या हो रहा क्या हो रहा, पता नहीं क्या था, मास मेंटालिटी, ऐसी कोऑर्डिनेटेड मास मेंटालिटी नहीं ना, कोई इशारे बाजी नहीं, कुछ भी होता था भाई साहब। एक बार क्या हुआ, सेवन्थ की बात है, मैंने अपनी कॉपी ऑपी सब, मैथ्स की कॉपी एक दिन कंप्लीट हो गई, मैथ्स का कोर्स सबसे पहले खत्म हुआ, कॉपी चेक करा ली मैंने, ओहो बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, मैंने कॉपी अभी चेक करा ली, कंप्लीट है सब कुछ, सेट है मामला। तो मेरा दोस्त है अनुज चौरे, उससे बात कर रहा हूँ, अनुज कह रहा बोले यार कल तो मैं शादी, वो टॉपर था, कि कल तो यार मैं शादी में जा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा यार, बैग जमाने तक का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये क्या होता है, क्या तेरे को नहीं पता, क्या होता क्या है, बोले यार जो कॉपी नहीं चाहिए हो, जिसका सब्जेक्ट नहीं हो वो निकाल सकते हैं, जो कंप्लीट नहीं हो। मैं कहा क्या बात है, सही बताओ, हाँ ऐसे कर सकते हैं, तब तक तो अपन मजदूर की तरह सारा बोझ उठा देते हैं। दो तीन साल और अनुज से मेरी बात नहीं होती, मुझे स्पाइनल इंजरी हो चुकी उस दिन, अपने अंदर आई डीवा कि मैं सब कुछ साफ कर लूंगी। अपन ने बैग खोला भाई साहब, जैसे हाथ डाला चार चमगादड़ निकले। और कुछ भी निकल रहा, थर्ड की कॉपी निकल रही है, फर्स्ट की कर्सू राइटिंग वाली बुक निकल रही है, फिर मैथ्स वाली हाथ लगी, मैंने कहा कंप्लीट और चेक फेंको, इससे साल खत्म हो गया। मैं कहा अगले दिन बिल्कुल राजा बाबू पहुंच गया स्कूल, भाई साहब अरे पैर का जमीन पे नहीं पड़ रहा मैं, इतना हल्का लग रहा। भाई साहब मैथ्स वाली है तन तनाती भी गुस्से में, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाली, और जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी उसकी डायरी में लिखा जाएगा रिमार्क, जिसकी भी कॉपी इनकम्प्लीट होगी तो आप नहीं, तो चाहिए वही भाई साहब, ये कॉपी निकालो कॉपी निकालो, चेक कराओ किसी कंप्लीट, किसी इतने में किसी की इनकम्प्लीट निकल रही, किसी कंप्लीट निकल रही, अपने पास आई कहते और खान कॉपी, मैं कहा वो तो नहीं है, मैं कहा चेक तो बताया था, चेक चेक है कंप्लीट चेक, कह रही कॉपी, मैं कहा वो तो घर पे, कहती अच्छा 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 डायरी, मैं कहा हाँ क्या क्या कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, मैं उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा फैसला, कि इसकी डायरी में लिखूंगा रिमार्क, ताकि सारी जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि कभी कभी भी मैथ्स की कॉपी घर छोड़कर नहीं आते हैं। आपने हो चुके थे दो रिमार्क, तीसरा अगर आ गया तो पापा को बुला लेंगे, और मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं पापा से डरता नहीं हूं, मैं मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि वो उनको पापा को बुला लेंगे, मेरी दिक्कत यह है
कि फिर उसके बाद उसी आदमी के साथ उसके घर जाना पड़ा। जो कि आई थिंक बिल्कुल भी सेफ नहीं। और मेरे पापा ना ऐसे म्यूजिक टीचर है, सीधे आदमी, गऊ, बिल्कुल अल्लाह की गाय है, पर मेरे लिए ब्रूस ली। मैं बोल रहा हूँ मैम को, मैं मैम प्लीज रिमार्क मत लिखिए मैम प्लीज, पर ये बॉय स्कूल भाई साहब जज करने लग गए लोग, कह रहे ओ मर्द नहीं है, मर्द नहीं है, अरे भाई अरे अरे। कई बार तो ना एज ए मैन आपको बहुत बार ऐसा स्टैंड लेने का मन करता भी नहीं है जनता।